हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पृथ्वीपति शाह और फतेहपति शाह, इन दोनों महान गणपति शासक के बारे में देखने वाले हैं। इनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आने वाले चाहे यूकेएसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूकेपीएससी का एग्जाम हो, एक भी प्रश्न इन दोनों शासकों से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि हम अपनी हर क्लासेस में, जब से हमने गढ़वाल फार्मर्स की क्लास शुरू की है, कुछ गढ़वाल पौराणिक से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं। और यह पुस्तकें हम इसलिए देखते हैं कि आपको इन पुस्तकों को अलग से याद करना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों लगभग 50-60 के आसपास इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक आपको एग्जाम में 100% पूछी जाती है। तो लगभग 15 पुस्तकें आज हम यहां पर याद करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी छठी क्लास को, यानी गढ़वाल पौराणिक में पृथ्वीपति शाह से। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल की बात करें तो 1640 से लेकर 1664 तक है। जब हमने पिछली क्लास पढ़ी थी महीपति शाह के बारे में, और वहां पे पढ़ा था जो उसकी रानी है वह है रानी कर्णावती। महीपति शाह की जो मृत्यु होती है 1631 में होती है डॉक्टर अजय रावत के अनुसार। और डॉक्टर अजय रावत जब बताते हैं कि 1631 में महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है, तब रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में 1631 से लेकर, यानी 1631 से लेकर 1640 ईस्वी तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में काम करती है। जब रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में काम करती है, तो यह बात शाहजहां को पता चलती है दिल्ली में, और उसे लालच आता है और गढ़वाल पर अपना एक सेनापति नवाजत खां को भेज देता है आक्रमण करने के लिए। लेकिन जब वह आक्रमण करने के लिए नवाजत खां को गढ़वाल पर भेजता है, तब रानी कर्णावती जो एक वीरांगना रानी थी, उसने नवाजत खां को बुरी तरीके से पराजित किया। और इस पराजय के कारण शाहजहां को काफी बड़ा अपमान हुआ, और इस अपमान का बदला लेने के लिए शाहजहां एक बार फिर से 1655 ईस्वी में, यानी 1655 ईस्वी में, कहीं पर आपको दोस्तों 1652 भी दिखे, लेकिन अधिकतर किताबों में 1655 दिखेगा। 1655 ईस्वी में खलीतुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में एक आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में कुमाऊं का जो चंद शासक है बाज बहादुर, और मंदाता प्रकाश जो सिरमौर का शासक है, यह भी खलीतुल्लाह का समर्थन करते हैं, जिस कारण यहां पे पृथ्वीपति शाह की हार हो जाती है। और देहरादून का जो कुछ क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आ जाता है? मुगल शासन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह भी काफी बहादुर होता है, वह दोबारा इन जो हारे हुए क्षेत्र थे इन पर दोबारा आक्रमण करता है, और उन्हें विजित भी कर देता है। और जब वह विजित कर देता है, तब वहां पर एक शहर की स्थापना करता है, या एक नगर की स्थापना करता है, जिसका नाम उसने पृथ्वीपुर नगर रखा था। दोस्तों, पृथ्वीपुर नगर की स्थापना पृथ्वी शाह द्वारा ही की गई है। पृथ्वीपति शाह एक ऐसा शासक हुआ जिसने दो राजधानी है, जैसे एक श्रीनगर हो गया जो सभी गढ़वाल, जो सभी गढ़ शासकों की थी, और इसके अलावा राजगढ़ी जो आपको उत्तरकाशी में मिलेगा वह भी इसकी राजधानी थी। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके दरबार में जो सुलेमान सिको है, जो दारा सिको का बेटा है, उसने यहां पर शरण ली थी, और शरण उसे इसलिए लेनी पड़ी थी क्योंकि औरंगजेब इसकी हत्या करना चाहता है। सुलेमान सिको पहले तो बाज बहादुर के पास गया, लेकिन बाज बहादुर ने मना कर दिया कि वह मुगल के साथ अपना जो रिश्ता है वो खराब नहीं करना चाहता। तब इसके बाद सुलेमान सिको गढ़वाल में आया, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया, और पृथ्वीपति शाह ने इसकी रक्षा की और कहा कि जब तक मैं यहां पर राजा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और यह सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह के दरबार में आ गया। पृथ्वीपति शाह के दरबार में क्यों आया, इसके पीछे की कहानी यहां पर यह बनती है दोस्तों कि 1657 ईस्वी के आसपास जब शाहजहां बीमार होने लग गया था, तो बीमार जब होने लग गया तो उसके जो चार बेटे थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श, इन चारों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध होने लग गया। पहले तो औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श, ये तीनों एक साथ थे। दोस्तों, यहां पे आपको यह भी बता दें कि जो औरंगजेब था वो दक्कन का गवर्नर था, शाह सुजा की बात करें यह बंगाल का गवर्नर था, और मुराद बख्श की बात करें तो यह मालवा और गुजरात का गवर्नर था। दारा शिको इन सभी में से बड़ा था, इसलिए शाहजहां ने इसे राजा घोषित करना चाहा था लेकिन नहीं कर पाया। तो दारा शिको युवराज था, सम्राट बनना था, लेकिन यहां पे उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है। औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श तीनों एक साथ हो जाते हैं और दारा शिको के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर देते हैं। उत्तराधिकारी के तीन प्रमुख युद्ध होते हैं। पहला होता है धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1658 में हुआ था, दूसरा सामुगढ़ का युद्ध जो जून 1658 में हुआ था, और तीसरा देवराई का युद्ध। दोस्तों, अंतिम जो देवराई का युद्ध है जो 1659 में हुआ था, अप्रैल 1659 में हुआ था, वहां पर भी जो दारा शिको है अपने प्राण बचाने में सफल हो जाता है और वहां से भाग जाता है।
लेकिन उसी का एक सेनापति उसे धोखा दे देता है और उसे जय सिंह जो औरंगजेब का एक सेनापति है उसके हवाले कर देता है, और बाद में जय सिंह उसे औरंगजेब को सुपुर्द कर देता है और फिर औरंगजेब उसकी हत्या कर देता है। अब औरंगजेब यहां पे दिल्ली का सम्राट बन जाता है, और जब यह दिल्ली का सम्राट बनता है फिर वह सुलेमान सिकोह की हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है, और सुलेमान सिकोह की हत्या करता है तो सुलेमान सिकोह भागकर पहाड़ क्षेत्र की ओर गढ़वाल क्षेत्र की ओर आता है और पृथ्वीपति शाह के यहां पे शरण लेता है। यहां पर दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब सुलेमान सिकोह पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेता है तो रामदास और हरदास यह भी इसके साथ आते हैं, और इन्हीं के वंश में बाद में मोलाराम भी आता है, यानी रामदास का पुत्र हरिदास, फिर हीरालाल, फिर मंगत राम, और फिर लास्ट में यहां पे मोलाराम, जो इसी के साथ यानी सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल में आए थे। अब जब पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह के संरक्षण की जिम्मेदारी ले ली है तो औरंगजेब डायरेक्ट युद्ध भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे वह भय था जो उसके पिता के साथ हुआ था, यानी शाहजहां के साथ हुआ था। तो इसी भय के कारण औरंगजेब क्या करता है कि काफी षड्यंत्र करता है, और षड्यंत्र के कारण सुलेमान सिकोह को मरवाने की कोशिश करता है। इन षड्यंत्रों की जानकारी डॉक्टर कानूनगो अपनी पुस्तक दारा सिकोह में लिखते हैं कि औरंगजेब का जो एक मंत्री था जय सिंह, उसने पृथ्वीपति के एक ब्राह्मण मंत्री को प्रलोभन दिया कि सुलेमान सिकोह की हत्या कर दे, और वह जो मंत्री था उस जय सिंह के बातों में भी आ गया और उसने भोजन में विष मिलाकर दारा सिकोह को देने का प्रयास किया। लेकिन पृथ्वीपति शाह पहले से ही सतर्क था, तो पृथ्वीपति शाह ने उस भोजन का जो पहले प्रयोग किया वह बिल्ली पर किया, और जब वह बिल्ली मर गई तो पृथ्वीपति शाह को पता चला कि उसके मंत्री द्वारा यह कार्य किया गया, तो वह उस मंत्री का सिर भी कटवा देता है। तो पहले प्रयास में सुलेमान सिकोह की हत्या करने में वे असफल हो जाते हैं। फिर दूसरी बार जय सिंह ने इसी उद्देश्य के लिए राम सिंह को, यह उसका पुत्र था, उसे गढ़वाल भेजा, और राम सिंह ने मेदनी शाह से संपर्क किया जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, और उसे एक संधि कर ली, और संधि करने के बाद वह सुलेमान सिकोह को दिल्ली ले जाने में भी सफल हो गया, जहां औरंगजेब ने उसकी हत्या भी करवा दी। अब जब यह बात पृथ्वीपति शाह को पता चलती है कि उसी के पुत्र ने उसके साथ धोखा दिया है, तो वह अपने पुत्र मेदनी शाह को देश निकाला दे देता है, और वह जब देश निकाला देता है तो मेदनी शाह दिल्ली में जाकर रहने लगता है, और 1662 में उसकी दिल्ली में ही मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यहां पर अगर सिपसा डबराल जी की बात करते हैं तो उनके अनुसार जो मेदनी शाह था उसने 1664 से लेकर 1684 ईस्वी तक शासन भी किया था। अब इसके अलावा दोस्तों ट्रेवलर्स हैं, ट्रेवलर्स ने अपनी एक पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में लिखा है कि मुगल सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु गढ़ जो सुरमा है उन्होंने इनके छक्के छुड़वा दिए। तो यह तो खैर पृथ्वीपति शाह से संबंधित एक कहानी के रूप में था। अब आपको फैक्ट याद करना है। फैक्ट यहां पर यह है कि पृथ्वीपति शाह का हमें एक उत्कीर्ण लेख मिलता है, वह मिलता है हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर जो भक्तियाना श्रीनगर में है, और दूसरा देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में माधो सिंह का जो पुत्र था गजय सिंह उसका भी वर्णन मिलता है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब पृथ्वीपति शाह से संबंधित अंतिम महत्वपूर्ण फैक्ट कि 1667 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं फतेहपति शाह के बारे में। फतेहपति शाह की बात करते हैं तो 1664 में या 1667 ईस्वी में गद्दी में बैठे और 1716 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। दोस्तों फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है और गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी जो कहा है वो मतिराम जी द्वारा कहा गया है अपनी पुस्तक छंद सार पिंगल में। तो छंद सार पिंगल में मतिराम द्वारा फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा गया है, और गढ़वाल का अकबर फतेहपति शाह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में 9 रत्न थे, साथ ही साथ ये साहित्य को काफी समर्थक भी थे। 9 रत्नों की बात करें तो हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल, सुरेशानंद बड़थवाल, शशिधर डंगवाल, खेतराम दशमाना, रुद्रीदत्त कमोटी, सहदेव चंदोला, बासवानंद बहुगणा और कीर्तिराम, यह 9 रत्न फतेहपति शाह के दरबार में थे। और दरबारी कवि की बात करें तो रतन कवि जिन्हें छेमराज के नाम से भी जानते हैं, जटाधर, मतीराम और रामचंद्र कड़ियाल, यह जो चारों कवि हैं ये फतेह शाह के दरबारी कवि थे। अब दोस्तों यहां पर अगर हम समकालीन चंद शासक की बात करते हैं तो समकालीन चंद शासक महत्वपूर्ण हैं, जैसे बाज बहादुर हो गया, उद्योग चंद हो गया, ज्ञान चंद हो गया और जगत चंद हो गया। ये सभी राजा बधानगढ़ गढ़वाल पर आक्रमण करते रहे, उन्हें विजित भी करते रहे और इन सभी का फतेहपति शाह के साथ युद्ध भी होता रहा। तो समकालीन चंद शासक ये 4 चंद शासक हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो फतेह शाह की हमें एक पिक्चर दिखाई देती है जो शिवाजी और गुरु गोविंद जी के समान घोड़े में बैठा हुआ है, और वहां पे उनकी जो एज लिखी गई है, आयु लिखी गई है, वो 33 वर्ष लिखी गई है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और राहुल संकृत्यायन द्वारा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट फतेह शाह से है कि उन्होंने बताया कि फतेह शाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उनके वीरत्व के सम्मान में फतेह शाह की तलवार और अस्त्र दाबा के एक बिहार में रखे गए हैं। तो फतेह शाह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यह थी। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। और दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं फतेह शाह से संबंधित। सबसे पहले जी आर विलियम्स एक महत्वपूर्ण राइटर हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर विजय प्राप्त की और वहां पर उन्होंने फतेहपुर नामक एक नगर की भी स्थापना की। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिख गुरु, उन्होंने एक विचित्र नाटक की रचना की और इस विचित्र नाटक में उन्होंने फतेह शाह के साथ हुए युद्ध जिसे भंगारी का युद्ध कहा जाता है जो 18 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था उसका वर्णन किया है। तो दो प्रसिद्ध पुस्तकें होगी। तीसरी पुस्तक की बात करें तो यह है मतीराम। मतीराम की पुस्तक है वृत्त कौमुदी। वहां पे उन्होंने लिखा है कि फतेह शाह का जो काल है वह गढ़वाल का स्वर्ण काल है। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस पौवा शासक का काल गढ़वाल का स्वर्ण काल है। तो मतीराम के अनुसार गढ़वाल का स्वर्ण काल फतेह शाह का काल था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रतन कवि की बात करें जो छेमराज भी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी रचना है फतेह शाह, और वहां पर यह लिखते हैं कि दूर अतीत के इतिहास का स्वर्ण युग मानो पुनः गणराज्य में साकार हो उठा है और इतनी शांति व सुरक्षा है कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते हैं। तो यह बात रतन कवि ने फतेह शाह नामक पुस्तक में लिखी है फतेह शाह के काल के बारे में। इसके अलावा जटाशंकर हैं, उन्होंने फतेह शाह वर्णन यानी फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा है। रामचंद्र करियाल की बात करें तो फतेह शाह यशो वर्णन लिखा है, और सुखदेव मिश्रा की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने वृत्त विचार लिखा है। यहां पर भी उन्होंने फतेह शाह का गुणगान किया है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों सातवें गुरु गुरु हर राय जो उनके पुत्र थे गुरु राम राय, वह फतेह शाह के काल में देहरादून आए थे और फतेह शाह ने उन्हें 3 ग्राम खुरबुड़ा, राजपुर और चामाशारी, यह 3 ग्राम दान भी दिए थे गुरुद्वारे के लिए। इसके अलावा फतेह शाह से इंपोर्टेंट यह है कि फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी और उन्होंने मुद्रा में लेख लिखाने की शुरुआत की थी, यानी मुद्रा में भी लेख लिखवाए थे, तो यह फतेह शाह ने ही शुरुआत की थी। इसके अलावा फतेह शाह के काल में ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद उसने नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा वहां से लेकर यानी बधानगढ़ से लेकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है फतेह शाह से, दुधोली का युद्ध जो ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था, यह संभवतः 1703 में हुआ या फिर 1705 में हुआ था। तो फतेह शाह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें दोस्तों यही थी। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हम बार बार रिवाइज करते हैं दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जैसे बात करें सावरी ग्रंथ ठाकुर सूरबीर सिंह जी का है, जहां पे उन्होंने अजय पाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया है। गढ़वाल राज्य वंशावली, जहां पे गढ़वाल राजाओं की वंशावली मिलती है जो देवराज द्वारा लिखी गई है। सभासार ग्रंथ 7 खंडों में सुदर्शन शाह द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। द ग्लोरी डेट वाज गुज्जर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जहां पर वे बताते हैं कि कनकपाल गुज्जर क्षेत्र से आते हैं और कहां पर यह गुज्जर क्षेत्र है। इसके अलावा गोरखनाथ एंड द कनफटा योगेश जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंग्स की, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत की, मानोदय काव्य और जहांगीर विनोद यह कवि भरत की, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न जो 1916 में लिखी है राय बहादुर पातिराम की, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन द्वारा लिखी गई है, गढ़वाल का इतिहास 1928 में और नरेंद्र हिंदुल्लो 1919 में हरिकृष्ण रतुड़ी जी द्वारा। मेमार्स ऑफ देहरादून अभी हमने पढ़ा था, जहां पे उन्होंने बताया कि सहारनपुर में फतेह शाह ने आक्रमण किया था और वहां पे फतेहपुर नगर नामक स्थापना की थी। जी आर विलियम्स की विचित्र नाटक, जहां पे भेंगाड़ी के युद्ध का वर्णन है गुरु गोविंद सिंह जी की। वृत्त कौमुदी मतीराम की, जहां पे उन्होंने स्वर्णकाल बताया है फतेह शाह के काल को। इसके अलावा फतेह शाह रतन कवि छेमराज की, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाशंकर की, फतेह शाह यशो वर्णन रामचंद्र कड़ियाल की और वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा की। तो यह महत्वपूर्ण पुस्तकें थी दोस्तों, बार बार आपको हम रिवाइज भी कराते